माँ दद्दा तुमको बहुत इज्जत देते हैं। हम बताएं तुम्हारे दद्दा तुम्हें इतनी इज्जत क्यों देते हैं? कि तुम्हारे दद्दा ना अद्दा है, भोसड़ी के इज्जत देंगे नहीं तो मिलेगी कहां से? मजाक कर रहे थे। कैसा मजाक? चलो छोड़ो, वो काम की बात करते हैं। तुम्हारे दद्दा है जब लेने जाते हैं तो सीढ़ी लगती होगी या खुद ही चढ़ जाते हैं? महादत चोत, अरे भाई वो खींच रहे हैं तुम्हारी। माए दोस्त है इसलिए चुप बैठे हैं। सिवान में हो, यहाँ बकचोदी नहीं करते। दद्दा होते एक मिनट में तुम्हारी माँ चुप देते। अभी सीढ़ी तो उसके लिए भी लगती होगी। नहीं देखो क्या है ना, हमारी प्रेजेंट मम्मी जो है उनमें बहुत गर्मी है, तो निचोड़ लेंगी तुम्हारे दद्दा को। सर तुम्हारे दोस्त इसमें चुप है तो हमारे तो है नहीं, हम क्या करें? आप यूं ही गंगना रहे हैं। सही बात है, इनके पापा भी बहुत गांडू थे, हमारे भी गांडू हैं। माँ नहीं है क्या? तुम्हारे बाप नहीं है कि गांडू नहीं? तुम्हारी अम्मा को इतना बिछने का शौक है ना, तो उन्हीं का नाम रख दो कालीन, बिछते रहेगी। क्या बढ़िया था गुरु। बकचोद उठा के लेके आया। चीयर्स चीयर्स।